أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صلى الله عليه محمد तारीफ़ें उस खुदा के लिए जिसकी तौहीद का इकरार ज़ुबान अबू तालिब की रौनक करार पाया और तमाम हद गए दुरूद व सलाम उन हस्तियों के लिए जो अबू तालिब की गोद में परवान चढ़े। अल्लाहुम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي طالب عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع ابنه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام أما بعد شكر خدا بندے حضرت ابو طالب के फ़र्श अदाए हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर मुझे और आपको सांस लेने का मौका नसीब हो रहा है। आज हम उसके ज़ाकिर हैं जिसके ज़ाकिर 14 मासूम हैं। आज हम उसके सोगवार हैं जिसकी औलाद करबला के शहीदों की सरदार है। आज हम उसका नाम लेने के लिए हाजिर खिदमत हुए जिसकी मोहब्बत हमारे रग और पा में ऐसी बसी हुई है कि हम अपने वालदैन से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वालदैन मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। आज उस अजीम शख्सियत का तस्किरा कि जिसके नूर को अल्लाह ने हज़रत आदम की खिलकत से 2000 साल पहले खल्क फरमाया। मैं कहूँ तो जज्बात हो जाए, खिताबत हो जाए, आप कहें तो नारे का उनवान हो जाए, और अगर अमीरुल मोमिनीन फरमाएं तो हक का फरमान हो जाए। हज़रत अबू तालिब की इब्तिदा कब है? हज़रत आदम की खिलकत से 2000 साल पहले। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की इंतहा क्या है?
और उससे पहले कि खिलकत तो आपने समात फरमाई और शान को बयान किया मेराज की हदीस में, साहिब मेराज पैगंबर में, अम्बिया के सरदार, खुदा के हबीब, वजह खिलकत कायनात, जब सफ़र तय करते हुए खुदा के मेहमान बनाए गए तो आपने अर्श के करीब चार अनवार को मुशाहिदा फरमाया और पूछा ये चार अनवार कैसे गए। एक नूर आपके जद अब्दुल मुत्तलिब का है, दूसरा नूर आपके चचा जनाब अबू तालिब का है, तीसरा नूर आपके वालिद जनाब अब्दुल्लाह का है और चौथा नूर आपके चचा जाद भाई तालिब का है। जहां अबू तालिब वहीं हैं तालिब, जहां अब्दुल्ला वहीं हैं अबू तालिब, जहां हैं अब्दुल मुत्तलिब वहीं हैं दोनों उनके फर्जंद। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। और इनकी शान को बयान करते हुए, ये तो बात थी मेराज के हवाले से, अब आइए मैदान कयामत के हवाले से। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान को बयान किया गया और बयान करने वाला कौन है, मकाम रहबा है, कूफे का ख़ास इलाका, और तशरीफ़ फरमा है अमीरुल मोमिनीन। और आपकी खिदमत में सवाल किया गया आपके वालिद के ईमान के बारे में, आपने इरशाद फरमाया खामोश हो जाओ, अल्लाह तुम्हारा मुंह बंद कर दे। गोया मौला बताना चाहते हैं जो अबू तालिब के बारे में कोताही और तकसीर करे, अली की बद्दुआ उसके लिए है, उसका मुंह बंद हो जो अबू तालिब की तनकीस करे, जो अबू तालिब की ताजीम करे, उसका मुंह आज भी खुला हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिह। फरमाते हैं मौला मेरे बाबा की बात पूछते हो, इसका बेटा कसीमुल जन्नत वन्नार हो, उसके बाप पर जहन्नुम में अजाब कैसे हो सकता। आप फरमाते हैं रोज़े कयामत अगर मेरा बाबा शफाअत के लिए खड़ा हो जाए तो पहली बात तो याद रखें, शफाअत के लिए मैदान कयामत में जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की आमद कैसे होगी। युहशरो अबू तालिब यौमल कयामत फी ज़ुमरतिल मुलूक व सीमाइल अंबिया। फरमाते हैं अल्लाह के हबीब इशाद फरमाते हैं रोज़े कयामत अबू तालिब अलैहिस्सलाम मशहूर किए जाएंगे इस तरह से कि आपका शुमार बादशाहों में होगा, फी ज़ुमरतिल मुलूक आएंगे बादशाहों के साथ, व सीमाउल अंबिया और चेहरा अंबिया का होगा, शान बादशाहों की होगी और चेहरा अंबिया का होगा। रोज़े कयामत आने का अंदाज तो आपने सुन लिया, अब मकाम शफाअत सुने अमीरुल मोमिनीन के अल्फाज में। इरशाद फरमाते हैं अगर कयामत के मैदान में मेरे बाबा खड़े हो गए शफाअत के लिए तो रुए ज़मीन पर जितने गुनाहगार हैं, जितने गुनाहगार हैं रुए ज़मीन पर, जितने गुनाहगार हैं उन सब की शफाअत के लिए अगर मेरा बाबा खड़ा हो गया तो सब की शफाअत कर देगा। अल्लाह खिलकत की बात वाज़े हुई, मेराज की बात वाज़े हुई, कयामत की बात वाज़े हुई, शफाअत की बात वाज़े हुई। और उसके बाद गौर कीजिएगा कि कयामत के मैदान में इमाम फरमाते हैं कि सारे तमाम के तमाम अंबिया मौजूद होंगे, तमाम औसिया मौजूद होंगे, तमाम तर औलिया मौजूद होंगे, ऐसे में मेरे बाबा का नूर। दो रिवायतें अलग अलग हैं,
एक रिवायत के लिहाज से इमाम फरमाते हैं मेरे बाबा का नूर अनवारे खमसा के बाद, अनवारे खमसा के बाद सारे आलम पर सबसे बुलंद होगा। अनवारे खमसा के बाद सबसे बुलंद तरीन नूर नूरे अबू तालिब होगा। अल्लाहु अकबर। एक रिवायत के लिहाज से अनवारे खमसा में आपने शामिल किया मासूम आइम्मा अहले बैत को। फरमाते 14 के बाद, अब 5 नहीं है 14 है, या 5 के बाद अबू तालिब अकेले या 14 के बाद अबू तालिब अकेले। मैं कहता हूँ ये 5 हो तो पालने वाला अबू तालिब, ये 14 हो तो जद अबू तालिब। इमाम फरमाते हैं रोज़े क़यामत मेरे बाबा का नूर तमाम तर अनवारे अंबिया पे गालिब आ जाएगा, अनवारे औसिया, अनवारे औलिया, अनवारे सिद्दीकीन, अनवारे शहदा, अनवारे सालहीन, तमाम के अनवार पर 14 के बाद गालिब तरीन वो है जो गालिब का बाप है और अबू तालिब है। कयामत का मैदान भी सुन लिया, गौर कीजिएगा कयामत का मैदान सुन लिया। अब आइए जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शख्सियत के बारे में इस बारगाह से, इसी अंजुमन के प्लेटफॉर्म से मैंने कई मरतबा जिक्र की तौफीक हासिल की है। इसी एतबार से सरनामे कलाम में 2 आयतें पढ़ी आप सबको जुबानी याद, सूरह बनी इसराइल है। 2 आयतें आयत नंबर 80 और उससे पहले वाली यानी 79 और 80 2 आयतें हैं। अल्फाज क्या हैं, कुल रब अदखिलनी मुदखला सिदकिन व अखरिजनी मुखरजा सिदकिन वजअली मिल्लतुन का सुल्तान नसीरा। हबीब कह दीजिए कि ए मेरे पालने वाले मुझे दाखिल करना सच्चाई के साथ, मुझे निकालना सच्चाई के साथ। तो पैगंबर आए भी सच्चाई के साथ हैं और गए भी सच्चाई के साथ हैं, तो रहे कैसे होंगे सच्चाई के बगैर। वो आया भी सच्चाई के साथ है, वो गया भी सच्चाई के साथ है। मुसलमानों ये तो बताओ कि नबुवत के ऐलान से पहले अपनी माँ के इंतकाल के बाद, अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बाद अबू तालिब कहाँ रहे मोहम्मद मुस्तफ़ा। अगर अबू तालिब न हो, आए सच्चाई के साथ थे, गए सच्चाई के साथ हैं, तो कोई सदाकत का घराना लेकर तो आओ जहाँ मोहम्मद को रखा जा सके। और अगर ऐसा घराना तुम्हें ना मिले तो फर्श अज़ा पे चले आओ। हर एक मातमदार बताएगा सादिक अबू तालिब अमीन अबू तालिब। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اله। पैगंबर का मिजाज नहीं है कि झूठ के साथ रहें। कुल रब अदखिलनी मुदखला सिदकिन। पैगंबर खुद भी सादिक हैं, इसे सादिक नहीं है, पैगंबर सिद्दीक भी हैं। खाली सिद्दीक नहीं हैं, सिद्दीक अकबर भी हैं। सिर्फ सिद्दीक अकबर नहीं हैं, सिद्दीक अकबर के मौला भी हैं। तुम पहले सादिक पहचानो, फिर सिद्दीक पहचानो, फिर सिद्दीक अकबर पहचानो, फिर मकाम मोहम्मद को पहचानो। तो पैगंबर आए सच्चाई के साथ हैं, पैगंबर जाएंगे सच्चाई के साथ। ना कोई झूठ पैगंबर के साथ आया है, ना कोई झूठ पैगंबर के साथ जाएगा। तो कोई झूठ पैगंबर के साथ उठाया भी नहीं जाएगा। सच रहेगा साथ में, सच उठाया जाएगा साथ में। कि पैगंबर की मिसाल ऐसी है कि खुदा खुद कहता है अपने रब से क्या मांगना है। कभी मांगना हो तो रब्बे ज़िदनी इल्मा इल्म मांगना, कभी मांगना हो तो खुदा की बारगाह में ये मांगना कि सच्चाई के साथ दाखिल कर दे, सच्चाई के साथ निकाल दे। वजअली मिल्ला दुन का सुल्तान नसीरा, और अपनी बारगाह से मुझे बना के दे, तू बना के दे अपनी बारगाह से। क्या बना के दे, ऐसा मददगार जो सुल्तान हो, ऐसा मददगार दे तू बना के। वज अली तू करार दे, तू बना दे मेरे लिए सुल्तान नसीरा। मददगार खुदा से मोहम्मद मांगते हैं, तुम तो मांगो तो मोहम्मद से मांगो।
खुदा से मांगा तो मोहम्मद ने मांगा, और खुदा ने क्या दिया? अल्लाहु अकबर, दो मददगार दिए। पैगंबर रहे कहां पर? न कूफे में रहे, न बसरा में रहे, न सामर्रा में रहे, न ईरान में रहे, न पाकिस्तान में रहे, न हिंदुस्तान में रहे। रहे दो शहरों में, एक को मक्का कहते हैं, एक को मदीना कहते हैं। एक मक्के में सुल्तान होना चाहिए, एक मदीने में सुल्तान होना चाहिए। सुल्तान का बेटा ही तो सुल्तान होगा। जलवार पड़े वहां पर, अल्लाहु अकबर। गौर कीजिएगा, मकाम, मकाम कितना बुलंद। अल्लाह के हबीब की दुआ है, और आसान दुआ नहीं है। ये दुआ ऐसी है कि 100 बार पढ़ो हर रात को सोने से पहले, 40 दिन तक पढ़ो तो खुदा तुम्हें इमाम जमाना का नासिर बना दे। क्या बेहतरीन पैगाम है कि इंसान जितना समझना चाहे। मकाम नुसरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह के हबीब ने अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की बताई हुई दुआ मांगी है, तो दो बातों में से एक बात है, या तो दुआ कबूल नहीं हुई या दुआ कबूल हो गई। ये मुमकिन नहीं कि जो दुआ का सबक देने आए उसकी दुआ कबूल ना हो, और अगर उसकी कबूल ना हो तो सारी दुआएँ बेकार हैं। ए मुसलमानों, काबे के पास जाने वालों, ए मुसलमानों, पैगंबर के रोजे पे सलाम करने वालों, ये तो बताओ कि दुआ कबूल होती है कि नहीं होती? काबे को देख के दुआ कबूल होती है, कुरान को पढ़ के दुआ कबूल होती है, रहमत बरसे तो दुआ कबूल होती है। और जिसकी वजह से रहमत रहमत बने, कुरान कुरान बने, काबा काबा बने, उसकी दुआ कबूल ना हो। जिसकी वजह से माँ बाप का चेहरा चेहरे रहमत बने, जिसकी वजह से इताअत खुदा बाइस मग़फ़रत बने, उसकी दुआ कबूल न हो। अजीब मुसलमान हो अगर ये कहे कि मोहम्मद की दुआ कबूल नहीं, तो तेरा कलमा कहाँ कबूल होगा? अल्लाहु अकबर। अगर दुआ कबूल हुई है तो बताओ मुसलमानों, सुल्तान नसीरा, खुदा से मददगार मांगा है। जब खुदा खुद काफी है मदद के लिए, तो मददगार क्यों मांग रहे हैं? खुदा से मदद मांगते, मददगार क्यों मांगा? फर्क समझिए, मदद मांगना और है, मददगार मांगना और है। तो खुदा बता रहा है कि मैं अपने मोहम्मद से भी कहता हूं कि मुझसे मदद नहीं, मददगार मांगो। और आज का मुसलमान कहता है खुदा से मदद मांगो, तो मुसलमान ज्यादा होशियार हो गया, खत्मी मर्तबत कम होशियार थे। अल्लाहु अकबर, अलयाज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। कैसे मुमकिन है? तुम खुदा से मदद मांग रहे हो, पैगंबर खुदा से मददगार मांग रहे हैं। या तो अपनी रविश को बदलो या कलमा छोड़ दो। अब तो बात समझ में आई है, खुदा से मददगार मांगा जाता है। अब खुदा जिसको चाहे मददगार बना दे, तुम्हें सूट करता हो कि ना करता हो, खुदा को वही सूट करता है, जिसको चाहे बना दे। तो एक मक्के में चाहिए, दो शहर हैं, एक मदीने में चाहिए। और कैसा चाहिए? ऐसा चाहिए जो बिल्कुल पक्का नासिर हो। सिर्फ नासिर नहीं बल्कि नसीर हो। नासिर कौन? जो मदद करे जब मदद के लिए पुकारा जाए। नासिर इसमें फाइल है, नसीर सिफत मुशब्बा है। नसीर में इस्तिमरार है, नासिर में इस्तिमरार नहीं। बहुत गौर कीजिएगा, नासिर में इस्तिमरार नहीं है। क्या मतलब? क्या आप बैठे हुए हैं अभी? आप क्या हैं? आप हैं जालिस, जालिस बैठने वाला। जब तक आप बैठे रहेंगे जालिस रहेंगे, जब आप खड़े हो गए तो जालिस ना रहेंगे। तो जब आप बैठेंगे तो जालिस, जब आप मदद करेंगे तो नासिर, और मदद ना की तो नासिर नहीं, इसे आप जालिस नहीं। अगर नसीर उसे कहते हैं इसकी नुसरत खत्म नहीं होती। वो बिस्तर पे रहे तो नासिर, वो मैदान में रहे तो नासिर, वो घर में रहे तो नासिर, वो बीवियों के दरमियान रहे तो नासिर।
صلی علی محمد و آل محمد. ناصر تو میں اور آپ بن سکتے, حل میں ناصر. نصیر نہیں مانگا مولا نے, غور کیجئے گا, ناصر مانگا ہے. ناصر بننا آسان ہے, ناصر انسان خود بنتا ہے, نصیر خدا بناتا ہے. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, اور اپنے رب کی بارگاہ میں کہیے کہ مجھے مددگار دے دے. کیسا مددگار؟ تو سلطان ہو. سلطان کا مطلب کیا ہے؟ سلطان کا ترجمہ تلاش, سلطان ہے سلطنت والا, سلطان ہے مسلط ہو جانے والا, جو تسلط حاصل کر لے وہ صاحب سلطنت ہے. اس کو اقتدار مل جائے وہ صاحب حکومت ہے. سلطان کا ترجمہ کرنے سے ساتھ ساتھ چلیں رحمان کے سورے میں چلتے ہیں, یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان. اے گروہ جن اور انس, اگر تمہاری استطاعت ہو, اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. خدا نے بالکل اوپن آپ کو چھوڑ دیا, نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان, مگر طاقت کے سوا تو تم نکل سکتے ہی نہیں. تو سلطان کہہ کر رحمان نے اشارہ کیا, اب چلیں قرآن سنا, اب وارث سے قرآن کا فرمان سنیں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام, سے پوچھا گیا مولا کیا انسان چاند پر جا سکے؟ فرمایا نہیں, مگر سلطان کے ساتھ. کیا انسان چاند پر جا سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, مگر سلطان کے ساتھ. سلطان کیا ہے؟ سلطان ہے طاقت. سلطان کیا ہے؟ حکومت. سلطان کیا ہے؟ دولت. سلطان کیا ہے؟ تسلط. سلطان کیا ہے؟ گھوڑا. سلطان کیا ہے؟ تیر. اب سلطان کے معنی تلاش کرتے چلے جائیں, عجیب بات ہے, جتنے معنی تلاش کیجئے گا اتنا قریب ہو جائیے گا حقیقت سے. اللہ نے اپنے حبیب سے جو مددگار مانگنے کا حکم دیا ہے اس کی کوالٹی ہے سلطان ہونا. نصیر مانگا ہے, کیسا نصیر؟ سلطان, جو سلطان ہو. سلطان اگر ہو تو آدمی چاند تک پہنچے, سلطان اگر ہو تو زمین و آسمان کے کناروں سے نکل کر باہر تک پہنچے, سلطان اگر ہو تو محمد کی جان تک حفاظت کا عنوان پہنچے. اللہ اکبر. بہت سارے بادشاہ گزرے سلوات پڑے محمد والے, کیسا مددگار ہے. جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے ہوئے آئیے پہلا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. عالم اسلام میں غلط فہمی پیدا کر دی گئی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا نام ہے عبد مناف. پھر غور کیجئے, مناف میم پر کیا پڑھ رہا ہوں؟ پیش. عبد مناف, یہ میری زبان کا مسئلہ ہے. عبد و مناف عربی کے لحاظ سے ہوگا, جیسے عبد اللہ, عبد الرحمن, عبد الرحیم, رحیم کا بندہ, رحمان کا بندہ, اللہ کا بندہ, ایسے عبد و مناف. مناف نہیں. کیوں, کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ پیش لگائیے, زبر لگائیے, فرق کیا پڑتا ہے؟ بڑا فرق پڑتا ہے. مناف کو کہہ کر بغض رکھنے والوں نے اسے ملا دیا منات سے, اور منات ہے بت کا نام. اور قرآن نے جن بتوں پہ لعنت کی ہے ان بتوں میں ایک ہے لات, ایک ہے عزا, ایک ہے منات. وہ منات ہے میم نون الف آخر میں گول تھے. ہر بچہ بڑا سمجھے اس بات کو, بہت غور کیجئے گا. کہ یہ ابو طالب کا نام ہے عبد و منات, مناف منات نہیں. منات ہے بت, مناف ہے پروردگار. آئیے, اور اگر ایسا ہی نام کا مسئلہ ہو تو عبداللہ کا ایمان سمجھ میں آ گیا, اس کے نام کے ساتھ تو اللہ لگا ہوا ہے.
बहुत गौर कीजिएगा, अगर हजरत अब्दुल्ला का ईमान समझ में आ रहा है तो वहां तो अब्द और अल्लाह मिला हुआ है अल्लाह का बंदा, तो उसका इस्लाम ना समझे तो मुनाफ क्या समझोगे। अल्लाह पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। एक है मनात, मीम नून अलिफ गोलते, ये बुत का नाम। अगर कोई कहे अब्दे मनात, समझे बुत का बंदा। जब कहे अब्दो मुनाफ, मीम पर पेश है मुनाफ, मुनाफ मुनीफ अनाफ, मुनीफ इसमें फाइल, मुनाफ इसमें मफूल। मगर यहां उलमा कहते लुगत के कि मुनाफ ब माने मुनीफ के इस्तेमाल हुआ। बहुत गौर कीजिएगा, कभी ऐसा होता है कि शरीफ शहीद ये सिफत मुशब्बा, ये फाइल के माना में मफूल के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो मुनाफ है मफूल का सीगा, मगर इस्तेमाल हुआ है फाइल के माना में अब्दो मुनाफ। मुनाफ किसे कहते हैं? मुनाफ कहते हैं कबीर को, मुनाफ कहते हैं मुशरफ को, जो शरफ दे, जो बड़ा हो, जो बुलंद हो, जो रफी हो, वो है मुनाफ। तो कौन है कबीर सिवाय खुदाए कबीर के? कौन है शरफ देने वाला सिवाय खुदाए वहदहुला शरीक के? तो अब्दो मुनाफ का तर्जुमा हुआ अब्दुल्ला, कि मुनाफ का मतलब बुत नहीं है, खुदा की जात है। अल्लाहु अकबर। चलिए बड़ी आसान सी मिसालें हैं क़िबला, कैसे पहचान सकते हैं? तो आज आपकी खिदमत में इस साल दो बातें खास, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे हाथ में अंगुश्तुरी है, ठीक, रिंग पहनना। आजकल रिंग पहनना तो एक फैशन हो गया, अब वो सुन्नत और मुस्ताब के मसले तो ख़त्म हो गए। अब कौन किस लिए पहनता है? कोई दिखाने के लिए पहनता है, कोई सुनाने के लिए पहनता, बहुत कम है जो मौला के लिए पहनते हैं। लेकिन अब गौर कीजिए, इस रिंग पर एक तरीका है कि इंसान अपनी पसंद के कोई कलमे लिखवाए, कोई लफ्ज़ लिखवाए, नाम के अल्फ़ाबेट्स लिखवाए। आपको तो मालूम है ना कि बड़ा अजीब शौक़ है, कभी चावल पर, चावल के दाने पर नाम लिखवाते हैं, कभी कलम के ऊपर नाम लिखवाते हैं, और कभी इस पर नाम लिखवाते हैं रिंग के ऊपर। क्या मतलब है? गले का लॉकेट हो, नाम लिखवा दिया, आपके हाथ में रिंग हो, नाम लिखवा दिया। तो पहचान बन रही है कि जैसा अकीदा वैसे उसके हाथ में रिंग। क्या मतलब है? क्या आपने देखा कि अली के नाम का, अली के नाम का कड़ा पहने हुए है? अब ये मौजू अलग है कि कड़ा पहनना सुन्नत कहाँ की है, लेकिन जब अली के नाम का पहना हुआ है तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि मुनकर तो नहीं है। बहुत गौर कीजिएगा, और अरब में तो ये मिजाज था कि रिंग बनवाते थे और अपने रिंग पर अपना अकीदा लिखवाते थे। जो आपका अकीदा है, आप जिसको मानते हैं, आज लोग नाम लिखवाते हैं मोहब्बत के मारे हुए। अल्लाह से मोहब्बत तो मिलती नहीं है, चले हैं अल्लाह की बनाई हुई फना रखने वाली मखलूक से मोहब्बत करने के लिए। वो अजीब बात है, आज का मिजाज अलग है, कल का मिजाज अलग था। लोग लिखवाते थे अपना अकीदा। तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम अंगूठी पहनते थे? जी पहनते थे। आपको क्या खबर आप जनाजे में आए होते? आप तो रसूल के जनाजे में भी ना सके तो अबू तालिब के कहां से आते? अल्लाह पढ़े मोहम्मद वाले। क़िबला जेब का कुरान हो, हाथ की घड़ी हो,
अंगूठी हो, दस्तार हो, असा या हथियार हो, ये कहलाता है हबुआ। क्या कहलाता है? हबुआ, हलवा नहीं। मैं खिताब कहीं और नहीं कर रहा, वरना शायद ये हलवा समझ में आता। हबुआ, हबुआ का मतलब क्या है? कि हबुआ का मतलब है कि जो खलीफे बिला फसल को मिले, बाप की तरफ से जो उसके बड़े बेटे को मिले, बाप की निशानियां अंगूठी, बाप की निशानी घड़ी, बाप की निशानी दस्तार, बाप की निशानी कुरान, असा और हथियार, ये हबुआ है। ये विरासत में नहीं बटेगा। मकान बांटो, दुकान बांटो, बैंक बैलेंस बांटो, जो चाहो बांटो, हबुआ बड़े बेटे के लिए है। अब बड़ा बेटा ही बताएगा कि अंगूठी बाप की थी तो उस पर लिखा क्या? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। घबराइए नहीं, तालिब बड़े हैं, इंतकाल कर चुके। जाफर, अकील, मौलाए कायनात, ये तीन बात बाकी बाद में हैं। अच्छा, एक बड़े का मसला, उसके बाद बड़ा अगर ना हो तो फिर सब मिलके बांट लें। ये अंगूठी कहाँ तक पहुंची? मैं आपसे पूछता हूँ आलम इस्लाम के तमाम मुअर्रिखीन से कि अंबिया की मीरास दो बातों में से एक बात बता दें, या तो पैगंबर तक पहुंची नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान 500 बरस का फासला है। कितने? 500 साल। तो 500 साल ब्रेक आ गया। अगर मैं यूं कहूं तो शायद बात कुछ मुनासिब भी हो और नामुनासिब भी हो। ब्रेक आया क्या मतलब? ये कोई नबी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि पैगंबर फरमाते हैं ला नबी या बादी। ये शान ईसा नहीं है कि ला नबी या बादा हूं, ये शान खत्मी ये मर्तबत है कि ला नबी या बादी, मेरे बाद को नबी नहीं होगा। तो आपसे पहले तो नबी होंगे ना भाई, आपके बाद नबी नहीं। बात वाजे हो गई, कल बात पढ़े मोहम्मद वाले। नबी कितने आए? 1,24,000। गिने आपने? नहीं गिने। किसके कहने से मान लिया? चलिए गिने भी नहीं थे तो उनका इलाका, उनकी बेसत, उनकी वफात, उनकी शहादत, उनकी पैदाइश, ये सब याद नहीं है तो कम से कम नाम तो याद होंगे। अब हमें क्या खबर कौन से नबी कब आए? हमें इतना पता है कि आखिरी नबी के बाद को नबी नहीं आएगा। आखिरी नबी से पहले कितने नबी आए ये कौन बताएगा? ये बताएगा आखिरी नबी। और आखिरी नबी ने ही बताया कि 1,24,000 आए, ना तुमने गिने ना तुमने पूछे। अरे पूछ ही लेते पैगंबर, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आज का मजमा साहिब इल्म है ना, पूछ लेता है मौलवी साहब से आयत कहां से पड़ी है। कभी अगर गिनती में फर्क हो जाए पूछ लेते हैं, ये 4 नहीं 5 हो गए, 5 नहीं 6 हो गए। कितने साहिबान इल्म बैठे पैगंबर की बारगाह में, पूछ लेते पैगंबर से कि या रसूल अल्लाह 1,24,000 के नाम तो लिखवा दीजिए। अगर कुरान की 6,666 आयात जैसे कि मशहूर है, या 6,636 आयात जैसे कि हकीकत है, अगर ये पूछ के लिख सकते हैं, अजीब, पूरे कुरान में 6,666 आयतें, अंबिया कितने? 1,24,000। आयतें याद करना मुश्किल था तो नाम कैसे याद करते? तो कम से कम नाम लिख ही लेते पूछ के। मैं बात को बहुत आगे ले गया, फिर वापस ले आता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अगर आप कहते को नबी नहीं आया,
ختم یہ مرتبت سے پہلے 500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا. تو عیسیٰ علیہ السلام سے میراث نبوت دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو ختم یہ مرتبت کو نہیں ملے یا ملے. اگر نہیں ملے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آدم سے چلے ہوں اور خاتم تک نہ پہنچے، اور اگر ملے ہیں تو بتائیں کہ بیچ میں 500 سال میں کون تھے جو اتنے امین تھے جیسے زمانے کے نبی ہوں، اتنے امانت دار تھے. ان کو نبی کہیں نہ کہیں یہ اور مسئلہ، مگر تھے نبی جیسے. صلوات پڑھے محمد والے. آج تو ہم کھل کے بول نہیں پاتے نا، نبی کہنا بڑا مشکل ہو جائے گا. لوگ کچھ کہاں لکھا ہوا ہے، روایت موجود ہے وہ الگ موضوع. فی اسلاب النبیین، پیغمبر انبیاء کے صلب میں ہوتے ہوئے آئے. اگر لکھا ہوا نہ بھی ہو، روایت ضعیف قرار دے دیں آپ، تو آئیے سوچتے ہیں بیٹھ کر کہ میراث کون سی میراث. حضرت موسیٰ کا عصا پیغمبر تک آیا کہ نہیں آیا؟ جناب سلیمان کی انگوٹھی پیغمبر تک آئی کہ نہیں آئی؟ جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، داؤد علیہ السلام کے بیٹے، ان کی انگوٹھی پیغمبر تک آئی کہ نہیں آئی؟ عصا موسیٰ علیہ السلام کا پیغمبر تک آیا کہ نہیں آیا؟ اگر نہیں آیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ خدا نے 500 سال تک انسانیت کو بغیر ہادی کے رکھا، 500 سال تک بغیر ہادی کے رکھا. تو خدا کے پاس کیا نبی کم پڑ گئے تھے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. کیا مسئلہ تھا؟ سوچنے کی بات ہے نا، کیا کوئی پرابلم ہو گئی تھی کہ 500 سال کے اس عرصے میں پروردگار کوئی نبی کیسے بھیجے؟ نبی ختم ہو گئے، ایک نبی رہ گئے تھے، ان کو برکھا بچا کے کہ 500 سال کے بعد بھیجوں گا. تو پروردگار یہ بیچ میں جو لوگ آئیں گے، کہ قصور کیا ہے، ان کا ہادی کون ہوگا؟ اب اگر کوئی زمانے میں موجود ہے اوصیاء پیغمبر، پیغمبر کے وارث، پیغمبر کے وصی، زمانے کی حجت، جناب عبد المطلب زمانے میں حجت خدا، اور عبد المطلب کے وصی جناب ابو طالب علیہ السلام، وہ سارے انبیاء کی میراث عبد المطلب تک پہنچی، اور عبد المطلب سے ابو طالب تک پہنچی، اور ابو طالب سے ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی. اللہ اکبر. بات واضح ہو رہی ہے، ہم چلے کہاں سے تھے؟ انگوٹھی سے، مجھے یاد ہے، گھبرائیے نہیں. اور کس کی روایت ہے؟ 8ویں امام، امام رضا علیہ السلام. اس کا مطلب ہے یہ انگوٹھی چلی آ رہی ہے. 8ویں امام فرماتے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی انگوٹھی پر 3 کلمات لکھے ہوئے تھے. سب کے سب بہت غور کیجئے گا، ہم اور آپ تو مولا کے غلاموں سے ملے ہوئے ہیں. زمانے کے لوگ کہتے ہیں نیشاپور کا مجمع تھا، اس امام کی زیارت کی تمنا تھی کہ جو رسول کی اولادوں میں 8واں بیٹا ہے ابو طالب علیہ السلام کا. کیا تمنا تھی؟ کہ اپنے چہرے کی زیارت تو کروا دیجئے. جب امام نے اپنے چہرے کی کروائی زیارت، تو پھر تمام تر راویان حدیث کہنے لگے اگر آپ ایک حدیث سنا دے پیغمبر کی. گویا تمام تر علماء کے نزدیک امام رضا کی زبان سے سننا ایسے جیسے خود پیغمبر کی زبان سے سننا. اور آپ نے حدیث سنائی ہو، آپ کے علم میں ہے. تو یہ امام کی شان، امام احمد بن حنبل کے حوالے سے یہ بہت مشہور جملہ، کس حد تک معتبر کہ سلسلہ اتنا بیان کیا حسین کہ اگر خالی یہ پڑھ کر کسی دیوانے پہ دم کر دو. آپ فرماتے مجھ سے میرے بابا نے، آپ کا نام علی رضا، بابا کا نام موسیٰ کاظم، ان کے بابا کا نام جعفر صادق،
उनके बाबा का नाम मोहम्मद बाकर, फिर इमाम सज्जाद, इमाम हुसैन, इमाम हसन, मौलाए कायनात, यहाँ तक के अल्लाह ने फरमाया, फरमाती तमाम तर अगर सिलसिला सनद किसी दीवाने पर पढ़ दो तो दाना हो जाए। अब समझ में आया, हमने अपने अज़ा खानों पे 12-14 के नाम लिख के लगा रखे हैं कि बता दिया जाए दीवाने यहाँ नहीं आते, दाने यहाँ आते। اللهم صل على محمد تین کلمے لکھے، پہلا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں ابو طالب علیہ السلام کی انگوٹھی پر تین کلمے لکھے ہوئے تھے، تین جملے، یوں کہہ لیجیے آپ، رضیت باللہ ربا۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے ربوبیت کو پسند کرتا ہوں۔ بہت سے اللہ والے بھی اللہ کے ربوبیت کو پسند نہیں کرتے، بیٹا مانگتے رہے، بیٹی ہو گئی، اب اللہ اچھا نہیں لگتا۔ قبلہ بڑے سالوں تک نمازیں سب پڑھتے رہے، نوکری چھوٹ گئی، اب اللہ اچھا نہیں لگتا۔ تو کتنوں کو اللہ پسند نہیں ہے، اللہ کے نام لینے کے بعد بھی۔ سلام ہو ذات ابو طالب پر، بھوک کے عالم میں چہرہ زرد رہتا تھا، صرف ایک لباس، ایک کپڑا بدن پہ لپیٹ کے آتے تھے، غربت کا یہ عالم تھا۔ اور آپ کے انگوٹھی پہ لکھے ہوئے جملے، جو چاہتے کما سکتے تھے، آپ کے ہاتھ میں تو بیش قیمت موتی تھا، آپ سودا کر لیتے۔ کفار مکہ ہر قیمت دینے پہ تیار تھے، جو چاہو قیمت لے لو، تم سامنے سے ہٹ جاؤ، پھر ہم جانے اور یہ عبداللہ کا یتیم جانے۔ اپنا تن من دھن سب لگا کر سارے مصائب کو ابو طالب نے خریدا عشق مصطفیٰ میں، سارے مصائب کو خریدا عشق مصطفیٰ میں، ورنہ کیا ضرورت پڑی تھی، اپنے گھر آرام سے رہتے۔ عبداللہ کا بیٹا، عبداللہ چلے گئے، خدا جانے اور یہ بیٹا جانے۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ رضیت باللہ ربن، پہلا جملہ ہے، امام فرماتے ہیں انگشتر جناب ابو طالب علیہ السلام پر، وابے ابن اخی محمد نبیہ، رضیت باللہ ربا و رضیت، عطف ہو رہا ہے، میں راضی ہوں اللہ کی ربوبیت پر، اور میں راضی ہوں اپنے بھائی کے بیٹے محمد کی نبوت پر۔ چلیے ابو طالب کی اگر انگشتری ہی سمجھ میں آ جاتی تو ایمان تو سمجھ میں آ جاتا۔ اب ابن اخی، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اخی مانے میرا بھائی، میرے بھائی کا بیٹا، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ، میں اپنے بھائی کے بیٹے محمد کی نبوت پر راضی۔ اب ابنی علی لہو وصیہ، اور میں راضی ہوں کہ میرا بیٹا علی اس کا وصی بنے۔ تو ابو طالب کی انگوٹھی پہ تین جملے تھے۔ میں کہوں آج کے دور میں، اب جس کو پہچاننا انگوٹھی والے کون ہیں، ان کے تین جملے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر۔ تیسرا جملہ، صلوات پڑھے محمد والے محمد، دوسرا جملہ سن لیجئے،
ये बात वाज़े हो गई कि तीन जुमले लिखे हुए हैं, बे इब्नी अली लहू वसीया, और मैं राजी हूँ कि मेरा बेटा अली उसका वसी, वो नबी ये वसी अल्लाह रब, इन तीनों पे मैं राजी हूँ। जो अल्लाह की रबूबियत पर राजी है उसे काफिर नहीं कहते, जो पैगंबर की नबूवत पर राजी उसे काफिर नहीं कहते, जो अली की विसायत पर राजी हो उसे काफिर नहीं कहते, बल्कि कुल्ले ईमान का भी बाप कहते। और दूसरा मसला, आपकी वसीयत और गुफ्तगू तमाम, अल्लामा हसन रज़ा गदीर साहिब किताब गदीर, अल्लामा गदीर, अल्लामा अमीनी अल्लाह मुकाम, किस अंदाज से अल्लामा अमीनी ने इन हवालों को बयान किया। फरमाते अहले सुन्नत की मोतबर किताबों से एक वसीयत है जनाब अबू तालिब की, इसको लिखा है सिप्ते इब्न जौज़ी ने, अल्लामा सियूती ने, इब्न हिशाम ने। क्या वसीयत है? क्या वसीयत है? खास जुमला है, या माशरा बनी हाशिम, अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वसीयत। अगर कोई मुसलमान ना हो, मोमिन ना हो, उसकी वसीयत क्या होती है? वो तो आपके जमाने के इल्म में, काफिर क्या वसीयत करेगा? आपकी वसीयत, या माशरा बनी हाशिम, ए हाशिम की औलादो, अतीउ मुहम्मदा, मेरी वसीयत है कि तुम इताअत करो मोहम्मद की, वसद्दिकू हो। अजीब बात है, आमतौर पर तस्दीक पहले होती है, इताअत बाद में होती है। यहां अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वसीयत के कलिमात में इताअत पहले, तस्दीक बाद में है। कोई बाहर वाला हो पहले तस्दीक करेगा बाद में इताअत करेगा, घर वाला हो। बहुत गौर कीजिएगा, क़िबला बाहर वाला और है और घर वाला और है। या माशरा बनी हाशिम, ए हाशिम की औलादो, अतीउ मुहम्मदा, तुम इताअत करो मोहम्मद की, वसद्दिकूहु, और तस्दीक करो मोहम्मद की। क्या होगा इससे? तुफ्लिहु व तुरशिदु, दो काम होंगे, दो काम करो, दो काम होंगे, एक इताअत एक तस्दीक, तो क्या मिलेगा? एक फलाह, एक रुश्दो हिदायत। तुफ्लिहु, तुम सब के सब फला याफ्ता हो जाओगे, और तुरशिदु, और रुश्दो हिदायत पर गामजन हो जाओगे। वसीयत जनाब अबू तालिब, मैंने बात को तमाम किया, और वसीयत के साथ साथ मक्कतुल मुकर्रमा में आपने ये तो सुना है कि बारिश के मौके पर किस तरह से जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे लोग गए थे, इतना कहर पड़ गया था कि मक्के के सारे लोग परेशान थे, इतने परेशान थे, करे तो क्या करे, इसकी जितनी बोलियां थी बोल रहे थे, मनात से मांगो, हुबल से मांगो, लात से मांगो, उज्जा से मांगो। उनमें से किसी शख्स ने कहा, तुम्हारे दरमियान इब्राहिम और इस्माइल का लख्त जिगर मौजूद, उससे क्यों नहीं कहते? जब इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम आया तो सबने पलट के देखा कहने वाले को, तो तुम्हारी मुराद अबू तालिब है। वो या मक्के में कोई ऐसा घर न था कि जिसकी निगाहों में आप इब्राहिम और इस्माइल का वारिस कोई और हो। बगैर नाम लिए भी अगर कहा जाता था कि इब्राहिम की जुर्रियत और इस्माइल की जुर्रियत, तो एक ही नाम आता था, अबू तालिब। तो कहने लगा, हाँ मेरी वही मुराद है, ये सब के सब मिलकर दरवाजे अबू तालिब पर पहुंचे। अबू तालिब के दरवाजे को नॉक किया,
घर के अंदर से अबू तालिब इस तरह से सामने आए कि चेहरे का रंग जर्द है। इस हद तक घर में फाके होते थे अबू तालिब। अल्लाह अकबर। आज जनाब अबू तालिब के नाम से नजर न्याज का इंतजाम, औलाद अबू तालिब के नाम से सबीलों का इंतजाम, लोग पेट भर भर के खाते भी और लेके भी जाते। अबू तालिब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नकाहत के आसार, जर्द पड़ा हुआ चेहरा और इतनी गुर्बत थी कि एक सिर्फ एक लिबास पहने हुए। क्या मतलब है? आप लिबास पहनते हैं दो तीन पीस, चार पीस, पांच पीस, अंदर के अलग पीस, बाहर के अलग पीस होते हैं, एक कपड़ा पहने हुए बस। जब लोगों ने मिलकर कहा कि ए रईस मक्का, ए सरदार कुरैश, बहुत शदीद कहर पड़ गया है, आप दुआ करें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और मजलिस के आदाब में ख्याल किया कीजिए, ये मजलिस के आदाब है बेटा। सलवात पढ़ लें मोहम्मद वाले में। मेरी गुफ्तगू तमाम हो रही है, आपकी जहमत तमाम हो रही है, और ये जिक्र जो है वो किसी के बाप का नहीं है, उसके वालिद का है जिसके नाम की विलायत का आप कलमा पढ़ते हैं। तो कोई तनकीस सहन में नहीं आ सकती, ताजीम रहे। मेरी बात आपकी खिदमत में दरवाजे अबू तालिब तक थी, मना कर दिया होता, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम्हारे आमाल की खराबी से बारिश बंद हुई, मेरा क्या ताल्लुक। सलाम हो इसने इंसानियत को प्यासा देखा, उससे रहा नहीं जाता। अजीब जुमला है तारीख। फरमाते जाओ मैं जवाल के करीब पहुंच कर दुआ करूंगा। पता नहीं जवाल के वक्त का इंतखाब क्यों किया था अबू तालिब। सवाल का मतलब मक्के की सख्त गर्मी है, ठीक जवाल आफ्ताब का वक्त हुआ तो अबू तालिब अपने घर से बरामद हुए। इस तरह से साथ में एक 8 साल के बच्चे को लिए हुए, इसका चेहरा चमकते हुए चांद की तरह से था, और चलते हुए खाने काबा तक पहुंचे। अब एक रिवायत तो आप इस अंदाज से खड़े हुए कि आपने अपनी पुश लगाई काबे की दीवार से, बच्चे को लगाया अपने सीने से और बच्चे की बगलों से हाथ निकाले और अपने हाथ पर बच्चे के दोनों हाथ रखे और फिर हाथ उठाए दुआ के लिए। और एक अंदाज ये मिला कि बच्चे की पुश्त को लगाया खाने काबा की दीवार से और उसके बगलों में अपने दोनों हाथ दिए, बच्चे को बुलंद किया और बच्चे से कहा कि हाथ अब बुलंद करके दुआ मांगिए। बच्चे ने दुआ मांगी। कहते हैं दुआ क्या मांगी? नहीं मांगी, बस हाथ उठाए थे उस 8 साल के शहजादे ने। कड़कती हुई धूप थी, बहुत गौर कीजिएगा, शायद जवाल इसलिए इंतखाब किया था क्योंकि खुले आसमान पे बादल समझ में आ जाए, ऐसा ना हो कि सुबह में कुछ थोड़ा सा मामला हल्का होता है धूप का, शाम में हल्का हो जाता है, लोग कहें तो ये तो वैसे ही था हल्का, बादल आ गया तो क्या हुआ। सख्त तरीन धूप थी, जवाल का वक्त था, या शदीद तरीन प्यास इंसान को लगती है जवाल के वक्त, गर्मी का वक्त होता। और ऐसे में अबू तालिब अलैहिस्सलाम किसको लेकर आए थे?
आपके पास बेटे थे? हाँ थे, चार थे। चार में से एक को भी लेकर नहीं आए। किसको लाए थे? यतीम अब्दुल्ला को लाए थे, कायनात के गौहर को लेकर आए थे। और इतना बुलंद किया कि दस्ते दुआ अल्लाह के रसूल ने बुलंद किए। और अभी बच्चे के हाथ बुलंद हुए थे कि आसमान पर बादल, इतने गहरे बादल आए। और आमतौर पर बादल आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जोड़ते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मौसम बारिश का बनता है। यहाँ तो पलक झपकने में, चश्मे जदन में बारिश शुरू हो गई। और इतनी तेज बारिश हुई, लोग तो खुशियां मना रहे थे, अबू तालिब की आंखों से आंसू जारी थे और रोते जाते हैं, अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखते जाते हैं, फरमाते हैं वबियज़ुल, कितना रोशन है ये चेहरा, इतना रोशन कि जिसके चेहरे की बरकत से परवरदिगार आसमान से रहमत को नाजिल करता है, यतीमों का मलजा और मावा। आप शान बयान कर रहे थे, लोग खुशियां मना रहे थे, वो कसीदा पैगंबर की शान में अबू तालिब ने, अल्लाहु अकबर। अजीब वक्त है, मक्के वालों को पानी पिला दिया मदीने मुनव्वरा में, सख्त तरीन कहत का मौसम है, बारिश नहीं हो रही। और ऐसे में अल्लाह के रसूल का जमाना है, लोग आए नमाज इस्तिस्का पढ़ाने कि आपसे इल्तमास की, आप मैदान में पहुंचे मुसल्ले अलीदैन पर, नमाज पढ़ा के आपने हुसैन को हाथों में उठाया, परवरदिगार तुझे हुसैन का वास्ता, मक्के वालों को पानी पिला दे। जैसे ही हुसैन को बुलंद किया, वास्ता देके मांगा, अल्लाहु अकबर। कल रसूल को उठाकर अबू तालिब ने मांगा था, आज रसूल ने अबू तालिब के पोते को उठा के मांगा। इसका मतलब एक तरीका है बच्चे को उठा के पानी मांगने का, बात वाज़े, एक तरीका है बच्चे को उठा के पानी मांगने का। अबू तालिब मक्के में बताना चाहते थे, परवरदिगार तेरा मोहम्मद प्यासा है, पानी नाजिल कर दे। मदीने में अल्लाह के हबीब बताना चाहते थे, परवरदिगार तेरा हुसैन प्यासा रह जाएगा, पानी नाजिल कर दे। और करबला में हुसैन असगर को हाथों में उठाए हुए इस तरह से ही पानी मांग रहे थे, ए कौम अश्किया, अगर हुसैन कसूरवार है तो ये बच्चा तो कसूरवार नहीं। आओ देखो, इसका शीर के लिए शीरे मादर न रहा, आओ इसे एक कतरा पानी पिला दो। रोने वालों, अजीब वक्त मुसीबत था, मेरा मौला जब पानी मांग रहा था, इसी मंजर के लिए एक जुमला कहा जाता है कि मौला ने उस वक्त याद किया, मेरे शियो काश तुम 10 मुहर्रम को करबला में होते, तुम देखते तुम्हारा आका और मौला एक कतरा पानी मांग रहा था, अश्किया देने से इनकार कर रहे थे, असगर को हाथों पे उठाए हुए। रोने वालो, अश्किया को रहम ना आया, इमाम ने बच्चे को जमीन पे लिटाया है, अच्छा आओ इसे आकर अपने हाथ से पानी पिला दो। अगर कोई आगे ना बढ़ा, इमाम ने बच्चे को उठा के आगोश में फरमाया, बेटा ये मेरी जबान नहीं समझ रहे, तुम इन्हें बतला तुम्हें कितनी प्यास लगी है। बच्चे ने बाप की बात को समझा, अपनी नन्ही सी जुबान होठों पे फिराना शुरू की, कौम अश्किया मुंह मोड़ मोड़ के रोने लगे। उर्मुला को हुक्म दिया गया, जल्दी कर हुसैन के कलाम को कता कर दे। उर्मुला इतनी भी क्या जल्दी की, इस सबसे बड़े तीर को उठाया, बच्चे के गले का निशाना लिया। और रोने वालों, एक मर्तबा हुर्मुला के हाथ कांप गए, तीर जमीन पे गिर पड़ा, दूसरी बार फिर उठाया, फिर निशाने पर तीर को रखना चाहा, फिर हाथ कांप गए। किसी ने पूछा हुर्मुला से, मेरे हाथ क्यों कांप गए, तू तो बड़ा बहादुर है, तुझे हुआ क्या है? तो कहने लगा, जब बच्चे के गले का निशाना लेता हूं, पीछे खैमों के पर्दे हिलते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई बीबी
फरियाद कर रही हो उर्मिला तीर न चलाना। जालिम से कहा गया उर्मिला तू आंखें बंद करके तीर चला दे। अब मैं कहूंगा उर्मिला का कमाल तो खत्म हो गया, आंखें बंद करके तीर चलाएगा तो निशाना क्या खास समझ में आएगा। बच्चे से माँ ने कहा था बेटा तेरी माँ सैदानी नहीं है, इतना ख्याल रखना जब तक तेरे बाबा के अकरबा जिंदा रहे, असहाब जिंदा रहे, तेरे बाबा को जख्म ना लगा। बेटा तेरे होते हुए तेरे बाप को जख्म ना लगे। बच्चे ने जब देखा कि उर्मिला का तीर जाने में हुसैन आ रहा, बच्चा बाप के हाथों पर इस तरह से उछला, माँ की वसीयत पर अमल किया कि बच्चे के गले से तीर निकलता हुआ बाजुए हुसैन में लगा। अब बच्चा माँ से कहेगा अम्मा मैं क्या करता, बड़ी कोशिश की कि बाबा को जख्म ना लगे मगर अम्मा मेरा गला छोटा पड़ गया। उर्मिला का तीन बल का तीर था गुलूए सगीर। अल्लाह वलानतुल्लाह अला القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون। बार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। बार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का परवरदिगार 6 महीने के प्यासे का वास्ता, जितने भी बैठे अजादार हैं जो जो अपनी तलब लेकर आए हैं, हम सब के सब तालिब हैं। कोई तालिब ज़ियारत है, कोई तालिब हज है, कोई तालिब उम्रा है, कोई तालिब रोज़गार है, कोई तालिब ज़रो माल है मोहब्बत इमाम में, हम सब के सब तालिब हैं। हमारा बाप अबू तालिब है, तुझे हमारे बाबा का वास्ता परवरदिगार। तमाम तर तालिब हक जो दुआएं मांग रहे हैं, इनकी दुआएं बहक़ अबू तालिब अलैहिस्सलाम कबूल व मकबूल फरमा। बार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का कोई गम न दे सिवाए गम औलाद अबू तालिब के। बार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जन्नतुल मौला में कब्र अबू तालिब की तामीर नौ के असबाब फराहम फरमा। बार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। और हम सबको जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के इंतकाम के लिए इमाम मुंतकिम के सिपाहियों में शामिल फरमा। सूरह फातिहा की तमाम सैयद वक़ार अहमद रिज़वी इब्ने सैयद खुर्शीदुल हसन रिज़वी, सैयद खुर्शीदुल हसन रिज़वी इब्ने अल्ताफ अली रिज़वी, सैयद इफ्तिखार अहमद रिज़वी इब्ने खुर्शीदुल हसन रिज़वी, सैयदा खातून बिन सैयद अली, सैयदा खातून आले ज़हरा बिन खुर्शीदुल हसन, मौलाना सैयद मोहम्मद बाकर शम्स इब्ने मौलाना सैयद सिप्त हुसैन आलल्लाहु मकामहू, और वाहिदा बेगम बिन अली जान और तमाम शुरकाए मजलिस के मरूनीन को याद फरमाते हुए, और आज रोज़ वफ़ात जनाब आयतुल्लाह उज़्मा मुस्लिम नकीम का उनको याद फरमाते हुए साथ फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه الحمد لله على المعصومين برحمتك يا